गाजियाबाद जिले से इसराइल जाने के इच्छुक 238 मजदूरों ने अपनी जो है मौखिक सहमति दे दी है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में चार तरीके के, चार कैटेगरी के जो है वर्कर जो है जाना है वहाँ, राजमिस्त्री और टाइल्स मिस्त्री, आयर बेंडिंग और शटरिंग कारपेंटर। इन चार कार्यों में निपुण श्रमिक जो है जिनका जिनकी उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच की होगी, 3 साल काम करने का अनुभव होगा, उनका वोटर आईडी और नामनी के वोटर आईडी लेकर के जो है अभी आवश्यक पत्रों की बाद में जांच कराई जाएगी। इसके बाद जो है उनका जो है कहीं इजराइल की कमेटी जो है उनको उनका टेस्ट लेगी, टेस्ट में जो पास होंगे उन्हीं श्रमिकों को जो है इजराइल भेजे जाने की वो पूर्ण पाए जाएंगे। सर, क्या कुछ में इंग्लिश मैंडेटरी है और किस तरीके से उन लोगों को काम करना इंग्लिश है? मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कक्षा 5 मतलब उनको अंग्रेजी भाषा का थोड़ा बहुत जानकारी हो, कम से कम ये सोचा जा रहा है कि कक्षा 10 पास हों जिनको अंग्रेजी भाषा की बेसिक जानकारी हो। कितनी सैलरी उन लोगों को मिलेगी और कैसे बोनस उनके साथ आएंगे? लगभग 1,37,000 सैलरी है, जिसमें से उनके रहने के लिए और खाने की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी, और रहने के लिए उनको 10,000 रुपये महीना उनके सैलरी से डिडक्ट होगा। बाकी 15,000 रुपये पर मंथ का बोनस, जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट और 3 साल और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उन 15,000 बोनस जो डिडक्ट का होगा वो इकट्ठा उनको जो है वापस आने पर मिलेगा। तो सर, अभी तक और भी कुछ लोग आ रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं लोग आने के लिए यहाँ पे? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बिल्डिंग साइटों पर जो है जा कर के जो है उनसे वर्करों से जो है उनको जागरूक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करके जो है उनको जो है इसराइल भेजे जाने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। तो सर, क्या कुछ किसी प्रकार की ट्रेनिंग भी होगी उन लोगों की जो वहाँ जाने से पहले? नहीं, ट्रेनिंग कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, बस उस काम में उनको 3 साल से अधिक काम करने का अनुभव हो, काम करने की जानकारी हो, कोई ट्रेनिंग नहीं है और काम करने में निपुण हो।